पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार दयाल प्यारी कांग्रेस भाजपा के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दयाल प्यारी समर्थकों सहित सराह में चुनाव प्रचार में उतरी। इस दौरान बड़ी संख्या में दयाल प्यारी समर्थक मौजूद रहे। आजाद उम्मीदवार दयाल प्यारी ने सराह में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से समर्थन मांगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए दयाल प्यारी ने कहा कि अच्छा निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस बार पछाड़ को बीजेपी व कांग्रेस से आजाद करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मौजूदा समय में हताशा में है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद वोटों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र की अनदेखी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि पछाड़ की जनता इस बार बहकावे में आने वाली नहीं है। दयाल प्यारी ने कहा कि पछाड़ की सभी 60 पंचायतों और एक नगर पंचायत का दौरा पूरा कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पछाड़ में जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिला है उससे साफ है कि उनकी जीत निश्चित है। वहीं एक सवाल के जवाब में दयाल प्यारी ने कहा कि जीत के बाद किसको समर्थन करना है इसका फैसला पछाड़ की जनता करेगी। कुल मिलाकर जिस तरीके का समर्थन दयाल प्यारी को मिल रहा है उससे बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। हालांकि यह 24 तारीख को ही तय होगा कि यहां सीट पर कौन काबिज हो पाता है। देखिए, अभी तक हमारे पास पछाड़ जो कंस्टिट्यूएंसी में है 60 पंचायतें हैं और एक नगर परिषद है। और आप सभी को विदित भी है कि दोनों पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी है और दोनों पार्टियों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और हमारे पास जो है इतनी सुख सुविधा और इतने साधन की भी कमी है, उसके बावजूद भी हमने जो है 60 की 60 पंचायतें और एक नगर परिषद जो है वो टच किया है। और लोगों का जितना जन समर्थन मिल रहा है उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 101% जो है विजयश्री होंगे। और ये विजयश्री खाली दयाल प्यारी की नहीं है, ये विजयश्री आम जनता की है। आम जनता की पुकार है कि अच्छा जो आजाद उम्मीदवार है, वो जो पछाड़ का उम्मीदवार है, वो आज सारी जनता जो है पछाड़ को आजाद करना चाहती है। जिस तरह से तानाशाही पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र में लगातार हो रही है, उस निर्वाचन क्षेत्र की क्या दुर्दशा होगी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दर दर पे जो है वोट मांग रहे हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करती हूं और उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी पछाड़ की जनता का दृश्य आपने देखा, कितने बुरे हाल सड़कों के हैं और कितने पान पीने का पानी हर जगह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, सभी मंत्रियों से भी निवेदन करना चाहती हूं कि आज जिस तरह से आप मेरी पछाड़ की भोली भाली जनता के घर घर पर जाकर आज बैठे हैं, मेरी जनता के घर बाद में भी आप जाएंगे और उनका सुख और दुख में साथ देंगे। आप सभी जो मेरी भोली भाली जनता को नहीं बहका सकते, आप मेरी भोली भाली जनता को मैं उनके दिलों से दयाल प्यारी को नहीं निकाल सकते। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो है सब कुछ जो है इतना जन सैलाब मुझे मिल रहा है, ये आज मेरे पछाड़ के जो जनता है ये जनता मेरे साथ है। पछाड़ की जो जनता है वो आज अपने वोट को, एक कीमती वोट को अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए दे रही है। जिस तरह से आज ये पछाड़ की जनता परेशान है, हराश है, उसको देखते हुए जो मेरी पछाड़ की जनता कहेगी उस तरह से काम होगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।